गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये अपना पहला लेक्चर है और आज मैं आपको एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाने जा रही हूँ। और हमारा पहला चैप्टर है आवर एनवायरमेंट। आपको एनवायरमेंट मतलब पता है कि क्या होता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट वो चीजें होते हैं जहाँ पे आप रहते हो, आपके आजू बाजू में जो भी होता है, घर होता है, रोड होता है, जानवर होते हैं या पानी, पेड़, ये सब क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है अपने एनवायरमेंट में। तो यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है, सी लुक एट द पिक्चर अलोंग। यहाँ पे क्या क्या चीजें दिखाई गई है, बैट है, कप है, पॉट है, धागे का बंडल है, खेला है, देयर आर सम ऑफ द थिंग्स शोन हियर। तो ये सब चीजें वी फाइंड ऑन दिस। ये सब चीजें जो दिखाई गई है, बैट, पॉट वगैरह, ये आपने अपने आप को आसानी से मिल जाता है। सी यहाँ पे दूसरा एक पिक्चर है, यहाँ पे अपना सराउंडिंग दिखाया गया है। सराउंडिंग मतलब क्या, व्हाट इज द सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग में पेड़ है, जानवर है, देखो बंदर वहां पे ऊपर बैठा हुआ है, स्टोन से, रिवर से, स्ट्रीम से, घर है, दिस ऑल आर थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व इन अवर एनवायरमेंट। सी ओवर हियर, देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, they form our environment. There are stones, rocks and soil. There are rivers and streams and lakes. There are hills and mountains. There are jungles. There are fields and roads and also barren lands. So we also see many different animals around us. Different types of trees and bushes and climbers make our environment. मतलब मैंने अभी जो आपको बताया है, जो आसपास जो भी चीजें होते हैं आपके, पेड़ पौधे, झरने, पानी, घर, पत्थर, ये सब चीज क्या है, अपने एनवायरमेंट में होता है। सो दिस ऑल आर कॉल्ड एज अवर एनवायरमेंट। अभी हम टर्न करते हैं पेज, सेकंड पेज पे। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे स्टोन है और स्पैरो को दिखाया गया है। अभी आप लोग बता सकते हैं इनमें से लिविंग थिंग्स कौन सा है और नॉन लिविंग थिंग्स। आप लोग सब जान गए होंगे, स्टोन ये है नॉन लिविंग थिंग्स। इनको हम नॉन लिविंग थिंग्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए यहाँ पे लिखा है, ए स्टोन रिमेन्स वेयर इट इज, इट्स प्लेस चेंजेस ओनली इफ सम पिक्स इट अप एंड मूव। यानी स्टोन तब भी मूव करता है जब हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इट डज नॉट ईट, सो इट डज नॉट ग्रो, मतलब अगर वो खाता नहीं है कुछ, वो इसकी वजह से वो बढ़ता नहीं। इट डजेंट हैव बेबीज, सो दे आर कॉल्ड एज लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स इनको बोलते हैं जो अपने हाथ से नहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, ना अपनी ग्रोथ दिखा सकता है, ना वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी बच्चे नहीं दे सकता। जबकि इस स्पैरो का अगर आप लोग देखें तो ये अपने आप से उड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, सब खाते हैं, उसके अपने बच्चे होते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज लिविंग थिंग्स। वो इंसेक्ट्स खाते हैं और वो ग्रो होते जाते हैं। व्हाई डू वी सी दिस डिफरेंस बिटवीन द स्पैरो एंड द स्टोन। हम इसमें डिफरेंस क्यों देख रहे हैं स्पैरो। अभी पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, स्पैरो एक लिविंग थिंग है और स्टोन एक नॉन लिविंग थिंग। स्पैरो यहाँ से वहां घूम सकता है, अपने बच्चे दे सकता है और खाता है और उसकी अपनी ग्रोथ होती है। जबकि नॉन लिविंग थिंग जो स्टोन है, वो यहाँ से वहां हिलता नहीं है, कुछ खाता नहीं है और कोई रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता। थिंग्स इन अवर सराउंडिंग फॉर्म टू ग्रुप्स। लिविंग थिंग्स आर टू काइंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब लिविंग थिंग्स दो तरह के होते हैं, जिसमें लिविंग थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल दोनों शामिल रहते हैं। एनिमल्स हैव बेबीज एंड सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स एंड द सीडलिंग्स देन ग्रो इन टू प्लांट्स। यानी जो बीज बोया जाता है वो बीज से बाद में पेड़ बनता है या प्लांट बनता है। दिस टेल्स अस दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स टू मूव, फॉर एग्जाम्पल वेन ए बर्ड ब्लूम्स इन टू ए फ्लावर इट्स पेटल्स ओपन, बट मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सो इजिली सीन। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड।
प्लांट्स भी मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, पर हमें समझ में नहीं आता है। पर उसका ग्रोथ कैसे होता है, एक कली आती है, कली से वो फूल बनता है और वो बढ़ते जाता है। दैट इट शोज द ग्रोथ। उन्हें भी खाने की जरूरत पड़ती है, हम उन्हें पानी डालते हैं या कुछ प्लांट्स कत वगैरह डालते हैं, दैट इज फॉर देयर ग्रोथ। ऑफकोर्स प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स डू। जैसे मैंने आपको कहा, प्लांट्स मूव नहीं करता है एनिमल्स की तरह, पर उसके जड़े जो है नीचे मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट होते जाते हैं या ओल्ड वो जाके मिट्टी को पकड़ता है। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स, जो जो सराउंडिंग्स में है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। वन इज द लिविंग थिंग्स एंड सेकेंड इज द नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में आता है एनिमल्स, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, खाता है, पीता है, दैट वी कैन नोटिस। एंड प्लांट्स इज एक ही जगह पे रहता है, बट स्टिल इट शोज इट्स ग्रोथ। यहाँ पे आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिया गया है, कुछ आर्डवर्ड्स दिए गए हैं, उसको आपको टू टाइम्स लिखना है। फर्स्ट वन इज मटेरियल, एनवायरमेंट, स्ट्रीम्स, माउंटेन, क्लाइंबर्स। उसके बाद यहाँ पे चार्ट दिया गया है, जो आपके बुक में एक्सप्लेन किया गया है वही है। उसके बाद आपको लिखना है नेम फाइव लिविंग थिंग्स, नेम फाइव नॉन लिविंग थिंग्स। ये दो आपको लिखना है, पांच पांच लिविंग थिंग्स के बारे में लिखना है। आपके किताब आप टेक्स्ट बुक को रिफर कीजिए। दिस इज योर असाइनमेंट, राइट हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर, सेंड योर असाइनमेंट इन योर ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड। अपना होमवर्क ये करके आप अपना होमवर्क सेंड कर दीजिए आपके ग्रुप में। थैंक यू।